50 किलोमीटर प्रतिदिन चलाता हूं और प्रचार करता हूं। समाजवादी पार्टी का आज की राजनीति तो इतनी गुंडागर्दी की है, मानिए अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो हम इसे जेल में डालने का काम करेंगे। सांसद सतीश गौतम जी को, मोदी जी का जो नारा है ना 400 पर, वो 40 के अंदर अंदर रहने वाला है। तैयारी इस बार नेतागण नहीं कर रहे, तैयारी इस बार जनता कर रही है। तैयारी महंगाई के खिलाफ है, तैयारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तैयारी इलेक्टोरल बोर्ड के खिलाफ है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा आज नामांकन किया है। नामांकन के दौरान ये जो भीड़ है, साफ तौर पर आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कितनी वो भीड़ है जो कि चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ आज नामांकन पत्र भराने के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँची है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती, ये कहाँ से ला रहे हैं आप? जी मैं अलीगढ़ से ही समाजवादी पार्टी का प्रचार करता हूँ, साइकिल से। बाबू सिंह धनगर मेरा नाम है। तो क्या उद्देश्य है साइकिल चलाकर? साइकिल से उद्देश्य है कि हमारी ये साइकिल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो योजना चलाई थी उस योजनाओं को हम जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आज की सरकार से हमारे गरीब और किसान, दलित और पिछड़े, नौजवान सभी लोग दुखी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो साइकिल आप चलाकर लगभग कितने किलोमीटर तक आप इस साइकिल को चलाते हो, प्रचार करते हैं? मैं 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलाता हूं और प्रचार करता हूं समाजवादी पार्टी का। और ये कहना चाह रहा हूं कि जो अलीगढ़ की सीट है इस पर हम बहुत अच्छे जीत रहे हैं। हर जिले में हमारी समाजवादी पार्टी नंबर वन पर चल रही है। कितने समय से आप जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं 20 साल से। 20 साल जी। पहली जो राजनीति थी और अब की राजनीति में कितना फर्क है, क्या देखने को मिला है आपकी राजनीति में? आज की राजनीति तो इतनी गुंडागर्दी की है, इतनी छल भरी है कि माननीय देश प्रधानमंत्री और योगी जी और हमारे, देखो अभी सांसद जी ने कितना खिलौना खेल किया है एक महिला विधायक के साथ में, और उन्होंने जो बदतमीजी की है। मगर भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक और कार्यकर्ता ने ये आवाज़ नहीं उठाई कि सांसद के लिए जेल में होना चाहिए, मुकदमा डायल करके इन्हें जेल में जाना चाहिए। मगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी तो हम इसे जेल में डालने का काम करेंगे। सांसद सतीश गौतम जी को जेल में जी, इन्होंने जो वोट मांगा था इन्होंने वोटर से भी गाली गलौज की है, जो कि मर्यादा भूल गए कि सांसद का पद क्या होता है। ये पढ़े लिखे नहीं है। एक गांव की जो वीडियो वायरल हो रही है आप तो जानते होंगे, उसमें ये अपत्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम ऐसे सांसद को हराने में सक्षम है। आज विजेंद्र सिंह का काफिला देखा है तो बहुत सारी भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि जनाधार हमारा समाज 2024 में इतना बढ़ रहा है कि हम 80 में से 75 सीट लाने में सक्षम है। आज कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्या उनका मन है? आज नामांकन हुआ है चौधरी विजेंद्र सिंह का, समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे आप? वो काफ़ी अच्छी तरह वोटों से जीतेंगे यहाँ पे अलीगढ़ की। बहुत कर रही है अखिलेश यादव जी की, हवा चल रही है, अच्छा काम करेंगे। कुछ महिला जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद है, महिला शक्ति मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आरती सिंह, महानगर अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे, नामांकन हुआ है? नामांकन हुआ है, इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस सरकार को पीछे हटाएगा। और जो नारा दे रहे हैं 400 बार, वो मुझे लगता है कहीं 40 भी ना लेके आ पाए। क्या लग रहा है आपके क्या मुद्दे रहेंगे? जो महिला सशक्तिकरण की जो बात कही थी क्या सही साबित हुई है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा पहले भी अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की थी और अब भी जो इन्होंने बंद कर दी है, गाड़ियाँ बंद कर दी, 10-90 जो महिला सुरक्षा के लिए चलाया था वो लगभग अब काम करना बंद कर दिया। वो शुरुआत होगी महिलाओं के लिए, हमारे अध्यक्ष जी ने एम्बुलेंस चलाई थी उसमें डीजल नहीं उत्पन्न करा पा रहे, तो वो भी दोबारा से बहाल किया जाएगा। महिलाओं के लिए पेंशन योजना बहाल की जाएगी जो कि योगी जी ने बंद कर दी है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो दोबारा से बहाल की जाएंगी। ये थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिनके द्वारा अपने प्रत्याशी यानी कि चौधरी विजेंद्र सिंह के जीत के दावे किए हैं। वहीं बाबू सिंह धनगर जो साइकिल आप तस्वीरों में साफ अंदाजा लगा सकते हैं, साइकिल से 50 किलोमीटर की यात्रा हर रोज उनके द्वारा की जाने की बात कही है, यानी कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है उनको जिताने के लिए इनके द्वारा जीतोड़ मेहनत की जा रही है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन चुनावी जो समीकरण है हर रोज़ बदलते हैं, राजनीति अपना रुख हर रोज़ नया इख्तियार करती है। कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है, गठबंधन में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है, क्या रहेगा अब की बार? अब की बार मामला पार। कैसे? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब की से केंद्र में सरकार बना रहा है। मोदी जी का जो नारा है ना 400 पर, वो 40 के अंदर अंदर रहने वाला है।
फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यूपी के अंदर 80 में से कम हम 40 से 60 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस और सपा का और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बदलेगा और केंद्र की सरकार पे हमारा राज होगा और केंद्र की सरकार को हम बदलेंगे। केंद्र सरकार बदलने का इशारा कर रहे हैं आप, तो क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? पूरी तैयारियां हैं, तैयारी पहले भी कहा है मैंने, तैयारी इस बार नेतागण नहीं कर रहे, तैयारी इस बार जनता कर रही है। तैयारी महंगाई के खिलाफ है, तैयारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तैयारी इलेक्टोरल बोर्ड के खिलाफ है, तैयारी जनता कर रही है। इस जनता को जिस तरह से त्रस्त किया है पिछले 10 साल में इस सरकार ने, गरीब को, मजदूर को, दलित को, माइनॉरिटी को, एससी को, एसटी को जो जिस तरह से रोना गया है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और इस बार ये जनता दिखाएगी, ये जनता बताएगी पत्रकार महोदय कि 4 तारीख का रिजल्ट जो होगा एक नया सूरज निकलेगा। ये थे कांग्रेस के पदाधिकारी जिनके द्वारा गठबंधन की जीत की बात कही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, बदलने की बात कही है। जो तस्वीरें हैं हर रोज बदलती है, लेकिन इनका कहना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा 2024 के चुनाव में। कौन चुनाव जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रही है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।